पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा त्योहार नए वर्ष के तौर पर नहीं मनाया जाता है, और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। से कौन सा त्योहार बी विशु, सी नवरोज या डी छठ? गुड़ी पड़वा, विशु, नवरोज, छठ। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी छठ। देख दूसरा प्रश्न 2005 स्क्रीन के ऊपर। तेरा इनमें से कौन सा जोड़ा एक ही त्योहार के दो अलग अलग नाम है, और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। धनतेरस, शरद पूर्णिमा, बी बैसाखी, बसंत पंचमी, सी दिवाली, लोहड़ी या डी दशहरा, विजयदशमी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी दशहरा, विजयदशमी। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए झांसा देना, बी झक मारना, सी झाड़ू फिरना, डी झपट लेना। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए झांसा देना। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। तेरा इनमें से कौन सा त्योहार सबसे अधिक दिनों तक मनाया जाता है, और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जन्माष्टमी, बी बोहाग बिहू, सी गणेश उत्सव या डी होली। समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी गणेश उत्सव। पांचवा प्रश्न 10000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कैलेंडर वर्ष में इनमें से कौन सा त्योहार सबसे आखिरी में मनाया जाता है, ये और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए होली, बी दीपावली, सी हरियाली तीज, डी रक्षाबंधन। दस सेकंड मिलेंगे। हो गए समाप्त 10 सेकंड। सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? बी दीपावली। छठा प्रश्न 20000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ किसी व्यक्ति की ओर से बोलना होता है, और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए शिक्षित करना, बी नौटंकी करना, सी डॉक्टरी करना या डी वकालत करना। समय समाप्त हो गया है, और अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी वकालत करना। सातवां प्रश्न 40000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राखी का त्योहार श्रावण मास के किस दिन मनाया जाता है, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अमावस, बी अष्टमी, सी पूर्णिमा, डी एकादशी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पूर्णिमा इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न 80000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सड़क बनाते समय इनमें से किसका उपयोग डामर और कंक्रीट को दबाने के लिए किया जाता है, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए क्रेन, बी कार, सी रोड रोलर और इज इट डी स्कूटर। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी रोड रोलर। ओके नौवां प्रश्न 160000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाएं हाथ का खेल वाक्यांश इनमें से किस क्रिया को दर्शाता है, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए जटिल, बी कठिन, सी सरल या डी महत्वपूर्ण। प्रॉब्लमैटिक, डिफिकल्ट, इजी और इंपॉर्टेंट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी सरल, इजी। अब देख दसवां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बिच्छू के शरीर के किस अंग में उसका विष होता है। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए पिंसर्स, बी पूंछ, सी पैर, या डी मुंह। पिंसर्स टेल, लेग्स, और इज इट डी द माउथ। समय समाप्त, देखते हैं उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी टेल, पूंछ। बिच्छू की पूंछ में जो है वो विष भरा होता, मार देता है तो जान ही चली जाती है।